हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे सूजी आटे और आलू से एकदम टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी, आधा कप हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, दो चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें से दो चम्मच मिश्रण हम निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हल्का सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया है और अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन हमने इसमें सूजी डाला है तो ये फूलेगा, फिर ये सख्त हो जाएगा। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे और ये जो हमने दो चम्मच निकाला है मिश्रण, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल भी डाल देंगे। जिससे कि ये नाश्ता देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, इसका पतला घोल हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, एक चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और अब हम इसमें एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा आलू मसाला तैयार है। आटा को गूंथे हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है और ये देखिए, अभी ये कितना सख्त हो चुका है। इसे एक बार हम फिर से मिला लेंगे। इसका हम 2 से 3 लोई तोड़ लेंगे। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे हम आटा में डस्ट कर लेंगे। अब हम इसे पतला बेल लेंगे, तो ज्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे, रोटी से थोड़ा मोटा हम इसे रखेंगे। बीच में जरूरत हो तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है और इसे मैंने रोटी से थोड़ा मोटा ही रखा है। अब हम इसके ऊपर आलू मसाला लगा देंगे। आलू मसाला हम इसके ऊपर अच्छे से इसका लेयर लगा देंगे।
अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से टाइटली हम इसे फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से एक बार हम इसे रोल कर देंगे। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से थोड़ा गोल कर लेंगे। बस सभी को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे छानने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है और तेल अब गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब ये जो हमने घोल बनाया है इसे भी हम एक बार मिला लेंगे। अब ये जो टिक्की है इसे हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से डिप करके इसे हम निकाल कर तेल में डाल देंगे। एक बार में जितना की पैन में आ सके उतना हम डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे और इसी तरह से पलटते हुए हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने देंगे। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, ये गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी को छान लेंगे। अब एकदम टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।